तो बेटा इस बार जो आप लोगों का सिलेबस है ना, उसमें हमें पढ़ना है एटम का स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ हम डिस्कवरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की, ठीक है। साथ में हमें यहाँ पे पढ़ना है अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। मॉडल ऑफ एटम करने हैं ना, बोर्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे और साथ में फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, इन सब के बारे में। तो वन बाय वन टॉपिक अपने हम सारे करेंगे यहाँ पे। तो चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम करते हैं। बेटा तो सारे बच्चे ना अपनी वीडियो ऑन करो। वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे अपनी वीडियो ऑन रखें, ओके। एक बार देख तो लो कौन कौन से बच्चे हैं क्लास में, ठीक है। हाँ, नेटवर्क का इश्यू हो ना तो आप बेशक बंद कर ले, नो प्रॉब्लम। चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ। मैम, आपकी आवाज कट कट के आ रही है काफी। बेटा मैं जब बता तो रखा है अंशु, कई बार मेरे पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं। नेट ठीक होगा तो अपने आप सही आ जाएगी, ठीक है। करें शुरू तो देखिए। चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि मैटर बहुत स्मॉल स्मॉल एटम से बना होता है, ठीक है। वो एटम इंडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सब आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। तो यहाँ पर हम टॉपिक में ही कह रहे हैं कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी 1808 में। दैट वॉज प्रपोज्ड दैट एटम इज इंडिविजिबल इन नेचर। तो बेटा डाल्टन की थ्योरी ने ये कहा था कि आप एटम को और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। एटम कैसा है? इनडिवाइजिबल है, ठीक है। तो सभी लोग इसी बात को मानते रहे पूरी 18th सेंचुरी में कि हम एटम को तोड़ नहीं सकते, एटम इनडिवाइजिबल है। बट जब आपकी 19th सेंचुरी आई तो वहां पे आपका साइंटिस्ट आया जे जे थॉमसन नाम का, और दूसरा अर्नस्ट रदरफोर्ड। जे जे थॉमसन एंड अर्नस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। इन दोनों ने ये कहा कि जो एटम है ना वो डिवाइजिबल है, एटम इज ए डिवाइजिबल। अब बेटा 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट आए जैसे कि थॉमसन था, रदरफोर्ड था, चैडविक था, नील बोर्स था, इन सभी ने मॉडर्न पिक्चर दी एटम की और इन सब ने ये कहा कि एटम डिवाइजिबल है, हम एटम को टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो एटम के और छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल, जैसे कि पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रिनो हो गया, मिसोन हो गया। अब आप लोग बेटा ये कोशिश किया करो, मान लो आज हम 3 पेज डिस्कस करते हैं तो आप उन तीनों पेजेस को आज ही लर्न कर दो। आपका ये फोकस होना चाहिए, डेली का काम डेली लर्न करोगे तब एनटीएससी में कुछ होगा। जो आज पढ़ा रही हूँ आज ही लर्न कर लो। तो ये कह रहे हैं ये सब सब एटॉमिक पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, मीजोन। अब ये सब तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो हम तो तीन आपके जो मेन सब एटॉमिक पार्टिकल है उन्हीं की स्टडी करते हैं। दैट आर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो जो मेन आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स है दैट आर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले डिस्कवरी है कैथोड रेज की। कैथोड रेज का मीनिंग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्कवर किया गया वो हम यहाँ पे करेंगे। तो ध्यान से देखिए सभी, इट वाज डन बाय विलियम क्रुक्स, जे पेरिन एंड जे जे थॉमसन। बेटा विलियम क्रुक्स ने, पेरिन ने और थॉमसन ने, इन तीनों ने मिलके डिस्कवरी की थी कैथोड रेज की, ओके। अब कैसे की थी वो आप देखिए। तो बेटा इन्होंने ये एक ग्लास की ट्यूब ली, जो ये आपको बेटा ट्यूब की शेप में दिख रहा है ना, ये एक ग्लास की ट्यूब है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। अब इस ग्लास की ट्यूब में एक साइड यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा रखा है। क्या लगाया हुआ है? वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या है? ये प्रेशर को मेंटेन करेगा। बेटा वैक्यूम पंप किसको मेंटेन करेगा? प्रेशर को, ओके। अब आगे ये कह रहा है कि जो वैक्यूम पंप हमने लगा दिया ग्लास की ट्यूब में, उसके बाद यहां पर अंदर मैंने इस ग्लास की ट्यूब में ये दो इलेक्ट्रोड लगाए। बेटा आपको दिख रहे हैं ना, एक इलेक्ट्रोड यहाँ है जो ये सिंगल वर्टिकल लाइन दिख रही है, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ है। ये दोनों आपके प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब एक को हमने जोड़ दिया, बेटा हमने यहाँ हाई डीसी वोल्टेज लगाई,
मतलब हमें यहाँ बहुत ही हाई वोल्टेज की बैटरी लगानी है, कम से कम नियर अबाउट उसकी कितनी वोल्टेज होनी चाहिए, 10,000 वोल्ट। तो इतनी वोल्टेज लगाने पर आपको जो है ना, ये एक रोड है ना, ये तो बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगी और एक आपकी बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ेगी, ठीक है। तो जो नेगेटिव पार्ट से जुड़ेगी उसको आप बोलेंगे कैथोड, और जो आपकी पॉजिटिव पार्ट से जुड़ेगी उसको आप बोलेंगे एनोड, ठीक है बेटा, इतना आपको करना है, ओके। चलिए अब आप मुझे सब बताइए, नेगेटिव चार्ज रोड को यहाँ पे क्या बोलेंगे, सब मिलके बोलो बेटा, वेरी गुड। नेगेटिव चार्ज जो आपकी रोड को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव वाली को क्या बोलेंगे, एनोड, ठीक है। अब मैं सबसे ना बीच बीच में पूछूंगी क्या पढ़ा रही हूँ, सब बिल्कुल अलर्ट होके सुनना। तो अब इसकी वर्किंग देखो, हमने एक ग्लास की ट्यूब ली बेटा, बाकी टाइम ना अपना माइक बंद रखा करो ताकि डिस्टरबेंस ना हो, मैं कहूँ तभी खोला करो। एक ग्लास की ट्यूब हमने ली जो 50 से 60 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, ये इतनी लंबी एक ग्लास की ट्यूब है, 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी है, फिटेड विद टू इलेक्ट्रोड। हमने इसके दोनों साइड क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको सील कर दिया, देखो यहां से और यहां से इसको सील कर दिया ताकि इसका बेटा प्रेशर मेंटेन रहे, इसको सील कर दिया दोनों साइड से, और साथ में यहाँ वैक्यूम पंप भी लगा दिया टू मेंटेन द प्रेशर, और साथ में इसे कनेक्ट कर दिया हाई डीसी वोल्टेज के साथ, ठीक है। अब आगे आप देखिए, ये तो आपका सेटअप था, आपने कैसे सेटअप किया। अब जो आपको लर्न करना है वो बातें, आपको ऑब्जर्वेशन लर्न करनी है। अब वैक्यूम पंप हमने क्यों लगा रखा है, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए लगा रखा है। तो अब जो ये साइंटिस्ट थे, जब इन्होंने ये सेटअप किया तो इन्होंने क्या क्या बातें ऑब्जर्व की वो हमें पढ़ना है। तो ये पहली कंडीशन कह रहा है कि अगर इन्होंने वैक्यूम पंप से कितना प्रेशर सेट किया, 1 एटमोस्फियर। अगर ये 1 ATM प्रेशर लेके चलते हैं तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई करंट का फ्लो हुआ ही नहीं, देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, वजह बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज गैसेज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे ये प्रूफ हुआ। फिर बेटा अगर 1 ATM प्रेशर पे कुछ भी नहीं हो पा रहा तो इन्होंने प्रेशर को और कम किया। अब देखिए इनकी सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर ये प्रेशर को कर देते हैं 10^-2 ATM, बेटा कम कर दिया ना, पहले तो 1 एटमोस्फियर था, अब 10^-2 है, मतलब 0.02 ATM हो गया। तो इन्होंने प्रेशर घटा दिया, और अगर mm में देखोगे तो ये 1 mm से 10 mm के बीच का है। तो ये कह रहा है अगर ये इतना प्रेशर लेके चलता है तो जो करंट आपका है वो स्टार्ट कर देता है टू फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड। जब इसका प्रेशर 1 ATM था तो करंट का फ्लो नहीं हुआ, लेकिन जब इन्होंने प्रेशर को और घटा दिया, 10^-2 ATM कर दिया, तो करंट का फ्लो होना शुरू हो गया। आपको ये बातें लर्न करनी है, करंट स्टार्ट टू फ्लो बिटवीन द इलेक्ट्रोड, और साथ में आपको उस ट्यूब के अंदर एक कलर्ड ग्लो दिखने लगी कि भाई कुछ अंदर ग्लो कर रहा है, कलरफुल सा कुछ ग्लो कर रहा है, और वो कलर कैसा होगा वो डिपेंड करता है कैसी गैस ट्यूब में भरी हुई है, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब बेटा इसके बाद थर्ड पॉइंट आप पढ़िए, अगर आप प्रेशर को कर देते हो 10^-4 ATM, फर्दर और भी रिड्यूस कर दिया, पहले 1 एटमोस्फियर था, फिर 10^-2 कर दिया, फिर 10^-4 कर दिया। मैं अभी सभी से सुनूंगी, ठीक है, कोई भी बच्चा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा बेटा, देखो कंटिन्यू। अब अगर प्रेशर को हमने कर दिया 10^-4 ATM, मतलब 0.01 mm, 0.01 mm, तो अब जो ग्लो आई थी ना बीच में वो सारी ग्लो डिसअपियर होगी, ग्लो डिसअपियर बिटवीन द इलेक्ट्रोड। एक साइड कैथोड है, एक साइड एनोड है, उनके बीच में एक ग्लो आ रही थी पहले, अब वो ग्लो डिसअपियर हो गई है, बट करंट अब भी क्या है, कंटिन्यू फ्लो कर रहा है, बट करंट कंटिन्यू टू फ्लो, करंट अब भी फ्लो कर रहा है। व्हेन परफोरेटेड एनोड, ये परफोरेटेड का मतलब ये है बेटा, मान लो ये मेरी एक एनोड की शीट है, मैंने इसके बीच में होल कर दिया, तो इस होल को ही हम बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। बेटा मैंने इस एनोड में से आर पार बिल्कुल एक होल कर दिया तो उसको हम बोलेंगे परफोरेटेड एनोड। तो जब आप परफोरेटेड एनोड का यूज करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि ग्रीनिश ग्लो अपीयर होती है एट द जिंक सल्फाइड स्क्रीन,
और फोस्फोरिसेंट मटेरियल, इन रेज को हम बोलते हैं कैथोड रेज। अब बेटा इस टॉपिक को समझने के लिए देखो, आप पहले तो ये बात समझो, आप सबको ये पता है जो आपका टीवी होता है वो कैसे चलता है, जो बेटा टीवी के बाहर की स्क्रीन होती है ना, वो स्क्रीन जिंक सल्फाइड की बनी होती है। टीवी की स्क्रीन किसकी बनी होती है? जिंक सल्फाइड की। ठीक है बेटा, वीडियो ऑन करो ना सारे बच्चे, मुझे दिखता रहे आप लोग समझ रहे हो या नहीं। तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन बनी हुई है, उसको बोलते हैं फॉस्फोरिसेंट स्क्रीन। मतलब उस स्क्रीन में खास बात यह है कि जब उस पे कोई चार्ज पार्टिकल आके गिरेगा ना, तो उस स्क्रीन पे एक ब्राइट इमेज या ब्राइट स्पॉट आ जाता है। अब जैसे ही आप टीवी ऑन करते हो, आपने स्विच ऑन किया तो टीवी के अंदर करंट गया, करंट का मतलब टीवी में चार्ज पार्टिकल गिरे, चार्ज पार्टिकल पहुंचे ना। जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल टीवी की स्क्रीन पे आके टकराते हैं, जैसे बेटा जो करंट था, जो चार्ज के पार्टिकल थे, वो टीवी की स्क्रीन पे आते हैं, तो टीवी की स्क्रीन पे आपको कलरफुल इमेज दिख जाती है, आपको ग्लो दिखाई देता है। बताओ क्या ऐसा होता है बेटा? बोलिए से यस और नो। यस मैम। होता है ना बेटा? yes, सबको समझ में आ रहा है? तो हमने क्या करना है, आप बात समझे, ये मेरी एनोड है, इसे मैंने आर पार ऐसे छेद कर दिया, ठीक है। इधर मेरी कैथोड थी, ये मेरा कैथोड है, ये मेरा एनोड है। कैथोड में से रेज निकल रही है, निकल रही है, वो एनोड के पास आई, एनोड में एक होल है, तो वो उस होल में से बाहर चली गई। अब एनोड के जस्ट पीछे मैंने एक स्क्रीन लगा रखी है, किसकी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। अब जैसे ही उस स्क्रीन पे चार्ज पार्टिकल जाके टकराएंगे, तो उस स्क्रीन पे बहुत सारे ब्राइट स्पॉट आ जाएंगे, या आपको ग्लो दिखाई देगी, या आपको कलरफुल वहां पे इमेज दिखाई देगी, ठीक है। तो अब ये आप पॉइंट समझे कि जब आपने प्रेशर को 10^-4 atm कर दिया, तो करंट तो फ्लो कर रहा था, और जब आपने एनोड में छेद किया, एनोड को परफोरेटेड बनाया, तो आपने ये देखा कि एनोड के जस्ट पीछे जो स्क्रीन लगी हुई है जिंक सल्फाइड की, उस स्क्रीन पर ग्रीनिश कलर की ग्लो ऑब्जर्व हो रही है। इसका मीनिंग, वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे ग्लो कब आएगा, जो वो स्क्रीन है वो कब चमकेगी, कब उस पे ब्राइट इमेज आएगी, जब उस पे चार्ज पार्टिकल जाके गिरेंगे। तो अगर उस स्क्रीन पे ग्रीन कलर की ग्लो आ रही है, तो हमें ये बात समझ में आ गई, पक्का इस एनोड में से कुछ निकल के बाहर आ रहा है, तभी तो उस स्क्रीन पे क्या है, कोई ग्रीनिश ग्लो ऑब्जर्व हो रही है, ठीक है। तो अब हमें यहां से कंक्लूजन ये निकाला गया कि जो रेज निकल के एनोड में से बाहर गई है ना, वो कैथोड रेज गई है। वो कौन सी रेज गई है? कैथोड रेज। एक बार दोबारा इस फिगर पे आओ, ये इधर है कैथोड। अब आप सब ध्यान से देखिए इस फिगर को, इस कैथोड में से क्या निकल रही है बोलो? रेज। ये देखो आगे ऐसे रेज जा रही है ना बहुत सारी, ये कौन सी रे है बोलो? कैथोड रे। सारे बोलो कौन सी रे है ये? बताओ आप सभी बेटा, सब ये बताओ कैथोड की तरफ कैसा चार्ज था? कैथोड की तरफ मोटर सुखी थी, बंद कर लो आवाज नहीं आ रही आपकी ढंग से। कैथोड के पास कैसा चार्ज था? नेगेटिव। मतलब जो ये रेज निकल रही है वो नेगेटिव चार्ज की है, जो ये रेज निकल रही है वो किस चार्ज की है? नेगेटिव की। और अब तुम सब ये बताओ एनोड की तरफ कौन सा चार्ज है? क्षितिज बेटा बंद कर लो, म्यूट कर लो। पॉजिटिव। बताओ बेटा एनोड पे कैसा चार्ज है? सब बोलो पॉजिटिव। पॉजिटिव। आपको पता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किस तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। पॉजिटिव की तरफ, मतलब पार्टिकल कहाँ आएंगे? कैथोड से एनोड की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। और इस एनोड के जस्ट पीछे स्क्रीन लग रही है जिंक सल्फाइड, एनोड के जस्ट पीछे का स्क्रीन लग रही है जिंक सल्फाइड की। तो हमें उस स्क्रीन पे कलरफुल इमेज दिखाई दी, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या बातें याद करनी है, कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है। अब पहली कंडीशन, अगर प्रेशर 1 atm था तो क्या हुआ था बोलो? ना तो करंट का फ्लो हो पाया, क्योंकि जो गैसेस है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। आगे जब प्रेशर को और कम कर दिया गया 10^-2, तो करंट ने यहाँ पे फ्लो करना शुरू कर दिया, ठीक है, करंट ने यहाँ फ्लो करना शुरू कर दिया।
अनु बेटा पापा थे अभी? हाँ बेटा मैं आपसे पूछ भाई। अच्छा भाई था, बड़ी अच्छी बात है बेटा, पेरेंट्स को बीच बीच में देखते रहने चाहिए बच्चे क्या कर रहे हैं। वेरी गुड। तो भाई प्रेशर यहाँ पे था 10^-2 atm, तो उसमें क्या देखा आप लोगों ने कि करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया बिटवीन द इलेक्ट्रोड। आगे जब प्रेशर को आपने और भी कम कर दिया तो आपने देखा अब भी करंट के पार्टिकल मूव करते जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ, और एनोड के पीछे जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है उस पर कलरफुल ग्लो आ रही है। इससे ये प्रूफ होता है कि हाँ कैथोड में से कोई चार्ज पार्टिकल बाहर आ रहा है, जिनको हमने नाम दिया कैथोड रेज का। यहां तक का आप सभी लाइन कर लेंगे इससे, यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कैथोड रेज की। सब बच्चे ध्यान से देखिए, सारी आपको लाइन करनी है वन बाय वन। पहला पॉइंट, जो कैथोड रेज है दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड, दे ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन अवे फ्रॉम कैथोड विद वेरी हाई वेलोसिटी। बेटा कैथोड रेज के पार्टिकल बिल्कुल सीधे मूव करते हैं और उनकी वेलोसिटी बहुत हाई होती है। कितनी? 10^9 से लेके 10^11 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेकेंड पॉइंट समझो, जो कैथोड रेज है दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल, वो किसी ना किसी मटेरियल की बनी हुई है। इनका अपना खुद का एक मास होता है, खुद की वेलोसिटी होती है, और कैथोड रेज आपको पता है कैथोड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड था, तो कैथोड से जो पार्टिकल निकलेंगे वो भी नेगेटिव चार्ज के होंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल्स है जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। और कैथोड रेज के नेगेटिव पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया? स्टोनी ने। किसने दिया बोलो सभी? स्टोनी ने। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी। जो ये कैथोड रेज के पार्टिकल है, जो नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल बाहर आ रहे हैं, दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद एनी मैटर। भाई चार्ज का पार्टिकल है, अब अगर ये टकराएगा किसी चीज से तो वहां पर ये हीट तो प्रोड्यूस करेगा, वो गर्म हो जाएगा, है ना? तो दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी व्हेन दे कोलाइड विद एनी मैटर। अगला पॉइंट, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश ग्लो। सॉरी बेटा नेटवर्क चला गया था, दिखाई दे रहा है? यस मैम। ओके बेटा कंटिन्यू करते हैं। तो ये पॉइंट हम कर रहे थे, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश ग्लो व्हेन स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, व्हेन स्ट्राइक ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, अगला पॉइंट, नेटवर्क वीक आ रहा है बेटा। अगला पॉइंट है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विच प्रूव दैट कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज्ड। अगर बेटा हमें ये प्रूफ करना है कि जो कैथोड रेज से पार्टिकल निकल रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज के ही है, तो आप कैसे प्रूफ करेंगे कि वो नेगेटिव चार्ज के ही पार्टिकल है? सब बच्चे ध्यान से इस फिगर को देखो आप, ये ग्लास की ट्यूब है, यहाँ वैक्यूम पंप लग रहा है, ये एक आपका बैटरी के नेगेटिव पार्ट से जुड़ रहा है, ये कैथोड है, ये पार्ट बैटरी के पॉजिटिव पार्ट से जुड़ रहा है ना आगे, ये एनोड है। इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया, ये लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने क्या लगा दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है। अब आप सब ध्यान से देखना बात को, ये कैथोड है, ये नेगेटिव चार्ज की है, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल ही मूव करेंगे। अभी मैंने पढ़ाया था कैथोड रेज के पार्टिकल स्ट्रेट मूव करेंगे, तो आप लोग देख रहे हो यहां से पार्टिकल निकल रहे हैं, निकल के इस होल में से सीधे बाहर आ रहे हैं।
यहां तक बिल्कुल सीधे थे पार्टिकल, लेकिन यहां आके अपने रास्ते से ये मुड़ गए। आपको ये बात समझ में आ रही है? ये यहां तक बिल्कुल सीधे आए कैथोड के पार्टिकल, लेकिन यहां आके ये अपने पाथ से मुड़ गए। इसका मीनिंग क्या है? अब आप देखो, ऊपर की तरफ लगाया नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नीचे की तरफ क्या है? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप मुझे ये बताओ, ये बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन अब ये अपने रास्ते से पॉजिटिव की तरफ मुड़ गई है, तो आप बताओ कोई भी रे है वो पॉजिटिव की तरफ कब मुड़ेगी? बोलो बोलिए बेटा, कोई भी रे है वो पॉजिटिव की तरफ कब मुड़ेगी? जब वो नेगेटिव चार्ज की होगी। जब वो नेगेटिव चार्ज, हाँ जी, जब वो नेगेटिव चार्ज की होगी। तुम देखो ये नेगेटिव चार्ज की रेज निकल के आ रही है और ऊपर भी नेगेटिव चार्ज ही है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इस साइड होगी, ठीक है, बट इस तरफ कैसा फील्ड है? पॉजिटिव। तो ये अपने पाथ पे सीधी क्यों नहीं गई? ये बेटा बंद कर लो माइक, ये इस तरफ मुड़ क्यों गई? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, तो ऊपर वाली लाइन यही तो कह रही है, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं होगा ना, तब तो ये सीधी चलती रहेगी, लेकिन अगर हमने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो ये अपने पाथ से मुड़ेगी। अब हमने ये देखा ये उस तरफ मुड़ी जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के पास कौन सा चार्ज जाना चाहेगा? नेगेटिव। तो उससे ये प्रूफ हो गया कि जो कैथोड से रेज निकल रही है वो नेगेटिव चार्ज की है, जो कैथोड से रेज निकल के आ रही है दैट इज ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई बेटा? ये पॉइंट आपको समझ में आया बेटा? इससे हमने ये प्रूफ, ये दोबारा बताइए, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा, जरा सा भी समझ नहीं आया ये। देखो बेटा क्या है, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है, मान लीजिए, मैम दोबारा बता दो। यस मैम, बता रही हूँ, ध्यान से सुनो सभी। मान लो बेटा ये है मेरा कैथोड, ठीक है, इसमें से रेज निकल रही है, क्या निकल रही है? रेज। ये बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन फिर ये एकदम से ऐसे मुड़ गई, सीधी जाते जाते एकदम से मुड़ चुकी है। आप यहाँ देखिए, ये बिल्कुल सीधी जा रही थी निकल के, लेकिन यहाँ पर ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गई, मुड़ गई है। अब आप बताओ इसमें से कैसे पार्टिकल निकल रहे हैं कि ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है मुड़ के? पॉजिटिव की तरफ कौन से पार्टिकल जाना चाहेंगे? पॉजिटिव की तरफ कौन से पार्टिकल जाना चाहेंगे बेटा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो उससे हमने प्रूफ कर दिया कि जो कैथोड रेज में से पार्टिकल निकल रहे हैं ना, वो नेगेटिव चार्ज के हैं। हमें नेगेटिव यही तो प्रूफ करना है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल्स। कर दिया ना कि कैथोड रेज है वो नेगेटिव चार्ज की है। ओके, चलो अब इसके बाद अगला पॉइंट देखो, दे कोच आयोनाइजेशन ऑफ गैस, दे कोच आयोनाइजेशन ऑफ गैस, इसका मीनिंग क्या है बेटा? मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बेटा कोई नहीं, अभी एक दो मिनट में आ जाएगी। दे कोच आयोनाइजेशन ऑफ गैस, इसका मीनिंग है ये गैस को आयोनाइज कर, ये गैस को आयोनाइज कर देता है। आप देखो ना बेटा, ये वैक्यूम ट्यूब है, इसके अंदर कोई ना कोई गैस भरी हुई है, ठीक है, अब इसमें से नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल जा रहे हैं, तो इन्होंने गैस को भी क्या किया? आयोनाइज कर दिया। दे कोच